आर्किटेक्चर फोटोग्राफी हम सबको अच्छी लगती है, लेकिन बहुत बार ऐसे हुआ होगा कि आप कहीं पे गए, किसी मॉन्यूमेंट का आपने फ़ोटो लेने की कोशिश करी है और आप जो फ़ोटो जैसा चाहते थे वैसा नहीं आ पाया, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू ग्रेट इंडियन फोटोग्राफर। आज हम बात करेंगे आर्किटेक्चर फोटोग्राफी की और मैं आपको टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने आर्किटेक्चर फोटोग्राफी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। मेरी पहली जो टिप है वो है, सबसे पहले आपको डायरेक्शन ऑफ लाइट को बहुत समझना पड़ेगा। जब भी हम कोई आर्किटेक्चर या मॉन्यूमेंट की फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो हमें डायरेक्शन ऑफ लाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लाइट, जैसे कि हम सबको पता है, किसी भी फोटोग्राफ का चेहरा बदल सकती है। अगर आप लाइट के बारे में सही में समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता सकता हूँ। आप एक अंडा या एक बॉल लीजिए, उसको किसी जगह पर रखिए और आपको एक ही एंगल से उसका फ़ोटो लेना है, लेकिन यहाँ पर आपको अपना कैमरा नहीं हिलाना है। जो चीज़ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं वो है लाइट। लाइट की पोजीशन ही आप चेंज करिए और देखिए आपको कितने तरीके के फ़ोटो मिल सकते हैं। इससे आपको लाइट को समझने में बहुत मदद मिलेगी और आपको समझ आएगा कि जैसे जैसे डायरेक्शन ऑफ लाइट और लाइट की इंटेंसिटी, लाइट कम ज़्यादा जो होती है, वो किसी फोटोग्राफ को कितना अलग बनाते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर आप लाइट को समझते हैं तो आप जानते ही होंगे कि डायरेक्शन ऑफ लाइट किसी भी फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही आर्किटेक्चर फोटोग्राफी में जिस भी मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग का फ़ोटो खींच रहे हैं वो अगर सही लाइटिंग उस पर है तो उसका लुक अलग आएगा। अगर आप उसका फ़ोटो सनसेट सनराइज पे खींच रहे हैं तो उसका लुक अलग आएगा। अगर क्लाउडी डे पे खींच रहे हैं तो उसका लुक अलग आएगा। अगर डायरेक्ट सनलाइट में खींच रहे हैं तो उसका लुक अलग आएगा। हर चीज़ का एक मतलब होता है। तो इस टाइप की फ़ोटोग्राफी में बहुत कुछ इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आप उस जगह पर कब गए फ़ोटोग्राफ करने। इसलिए बहुत से फोटोग्राफर्स अपना टाइम जो कि फिक्स रखते हैं कि इतने बजे उनको उस जगह पे जाके उस मॉन्यूमेंट की आर्किटेक्चर का फ़ोटो लेना है, क्योंकि उनको वो एक लुक चाहिए होगा। ऐसे आप भी अपने ट्रिप को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उस मॉन्यूमेंट का फ़ोटो कैसे लेना है। सोचिए आप आगरा गए हैं और आपको ताजमहल का फ़ोटो लेना है, तो अगर आप वहाँ पर सुबह जाएंगे तो आपको एक अलग ही लुक मिलेगा। तो अगर आप ताजमहल का फ़ोटो ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सूरज ताजमहल के पीछे से उगता है, और जब भी आप सुबह के टाइम ताजमहल का फ़ोटो लेंगे तो उसके सामने की तरफ शेडोज आएंगे। इसलिए ताजमहल का फ़ोटो लेने के लिए सही टाइम होता है दिन में 2 बजे 3 बजे के बाद। जब भी आप ताजमहल का फ़ोटो लेंगे, सामने से अगर आप फ़ोटो ले रहे हैं तो क्योंकि सूरज तब ताजमहल के सामने आ चुका होता है, तब आपको कोई भी शेडो नहीं मिलता है। इसी के साथ आ जाता हूँ मैं अपने दूसरे टिप में। जब भी आप कहीं आर्किटेक्चर फोटोग्राफी करने जाएँ तो आप उस जगह के बारे में पता कर लें। सूरज कहाँ से उगता है, कहाँ पर ढलता है, उस जगह की लाइटिंग कैसी है, रात को वो जगह की लाइट कैसी है अगर आप वहाँ जा सकते हैं, या जिस टाइम पे आप वहाँ जा रहे हो उस समय वहाँ की लाइटिंग कैसी रहेगी। इससे आप अपने फ़ोटो को डिसाइड कर सकते हैं और आप तैयार रह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में कैसे फ़ोटो खींचा जाए। तीसरी जो मेरी टिप है आर्किटेक्चर फोटोग्राफी के लिए वो है, आप अपने वाइड जूम लेंस को छोड़ के कभी ना जाएं। वाइड जूम लेंस, जैसे कि हम सब जानते हैं, कम से कम आपका 18mm तक तो जाते ही हैं, तो उतने वाइड पे भी आप आर्किटेक्चर या मॉन्यूमेंट्स का फ़ोटो ले सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। चौथी जो मेरी टिप है वो है कि जब भी आप किसी आर्किटेक्चर का फ़ोटो लेने जाएं तो आपको डिज़ाइन की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब डिज़ाइन की नॉलेज से मैं हाईफाई डिज़ाइनिंग की नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सिंपल फोटोग्राफी कंपोजिशन की बातें कर रहा हूँ। जैसे कि रूल ऑफ 1/3 आप याद रखें, लीडिंग लाइन्स को आप याद रखें, और बहुत सी ऐसी सिंपल टेक्निक्स हैं जो आपके किसी भी मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग के फोटोग्राफ को एक बहुत अच्छे कंपोजिशन में बदल सकते हैं। कंपोजिशन किसी भी फोटोग्राफ की एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ये बोरिंग से बोरिंग चीज़ों को भी बहुत अच्छा फोटोग्राफ बना सकती है। तो इसलिए आपको फोटोग्राफी के बेसिक डिज़ाइन कंपोजिशन को समझना बहुत ज़रूरी है, और इन चीज़ों को समझने के बाद आप ही देखेंगे कि आपकी फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। रूल ऑफ थर्ड्स पे मैंने अपना एक वीडियो बनाया है, आप वो तब तक चेक कर सकते हैं और उससे आपको आइडिया लगेगा और इस सिंपल रूल का फोटोग्राफी में कितना बड़ा योगदान है। जबकि लीडिंग लाइंस के बारे में मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, और भी फोटोग्राफी कंपोजिशन की बातें हैं जो मैं आगे की वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पांचवी जो मेरी टिप है आर्किटेक्चर फोटोग्राफी के लिए वो है, जब भी आप किसी मॉन्यूमेंट को फोटोग्राफ करने जाएं तो सिर्फ बाहर से उस चीज़ का फोटो लेके ना आए। आप कोशिश करें कि उसके अंदर जाके, अगर फोटोग्राफी अलाउड है तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे फोटोज आपको मिल सकते हैं। जैसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में स्टैचूज होते हैं, पेंटिंग्स होते हैं, और ये चीज़ें उस मॉन्यूमेंट की हेरिटेज को बताते हैं। ये मॉन्यूमेंट्स उस ऑब्जेक्ट के स्टाइल को बताते हैं और उसकी खूबसूरती को बताते हैं। तो इन चीज़ों का आप नज़रअंदाज ना करें, और उस मॉन्यूमेंट का जब आप फ़ोटो खींचें तो अंदर भी इंटीरियर में इन ऑब्जेक्ट्स का फ़ोटो ज़रूर खींचें। तो यही मेरी कुछ टिप्स थी जिससे कि आपको आर्किटेक्चर फोटोग्राफी में कुछ मदद मिलेंगी,
और भी ऐसी बहुत सारी टिप्स हैं जो कि हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे, और आशा करता हूँ आपको आर्किटेक्चर फोटोग्राफी के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें समझने में मदद मिली हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए अलविदा।